अब इस क्वेश्चन को देखो, डी पार्ट। तो डी पार्ट ट्राई कर लिया तुम लोगों ने? क्या है आंसर डी का? डी में देखो, ए बी सी में रिलेशन क्या प्रोवाइड किया हुआ है? ए बी सी में रिलेशन दिया हुआ है ए बाय रूट बी सी माइनस ऑफ टू इक्वल्स टू रूट बी बाय सी प्लस रूट सी बाय बी, एंड यू हैव गिवेन ए बी सी ग्रेटर देन जीरो। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो अब शुरुआत कैसे करें वो देख लो। तो इसको हम पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लो, ए माइनस टू अंडर रूट बी सी बाय रूट बी सी इज बी प्लस सी बाय रूट बी सी। बी सी ग्रेटर देन जीरो तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आई कैन कैंसिल। ए इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ऑफ टू रूट बी सी। तो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये ए इक्वल्स टू रूट बी माइनस रूट सी का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो ये फैक्टराइज होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैटर्न पे कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या आया? रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, ए प्लस बी, ठीक है। और ये जब इधर आया था तो प्लस हो जाएगा, तो रूट बी प्लस रूट सी। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड भेजो तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, और ये क्या आ जाएगा? रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी। तो ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास रिजल्ट आया क्या? रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी इक्वल्स टू जीरो, ये आया। अब हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? तो रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस रूट सी जे, ठीक है। अब यहाँ से कोफिशियंट इक्वेट कर लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, और यहाँ है माइनस रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस रूट सी। कंपेयर करोगे तो एक्स पक्का माइनस वन होगा एंड वाई पक्का वन आएगा, तो डेट फिक्स्ड पॉइंट्स वुड बी माइनस वन एंड वन, ठीक है। अब ये फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड ये कुछ होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना ये क्वेश्चंस। अब कभी कभार फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे, कभी कभार सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये काफ़ी आउटडेटेड पुराना क्वेश्चन है, जहां पर वो साइड में ये कंडीशन लिख दिया था, यू हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विदाउट फाइंडिंग द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इस साइड लेंथ का इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो है, इस साइड लेंथ का इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है, और इस साइड लेंथ का इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो अब मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है, और बिना ये वर्टाइसेस फाइंड आउट किए हुए। तो ऑर्थो सेंटर अगर नॉर्मल तरीके से निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालो, इस एल्टीट्यूड का निकालो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक और एंगल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। तो इस साइड और इस साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये फैमिली होगा, और इस फैमिली की खासियत क्या है? ये अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है। मैंने इस फैमिली का इक्वेशन लिखा एक्स प्लस टू वाई प्लस ऑफ लैम्डा, सेकेंड लाइन थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब इसका स्लोप और बी सी के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन कर दो, यहाँ से लैम्डा निकल आएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकल आएगा। उसी तरह इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? दिस लाइन प्लस के टाइम्स ऑफ दिस लाइन, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकल आया। इसका इक्वेशन कैसे बताया मैंने? ए बी प्लस के टाइम्स ऑफ बी सी। तुम बोलोगे अगर हम पहले बी सी ले लिया फिर के टाइम्स ऑफ ए बी लिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, भले के का वैल्यू अलग आए फाइनल आंसर सेम आएगा। तो इससे इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकल आया, इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकल आया, दोनों एल्टीट्यूड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट? ओके।
अब अगला नेक्स्ट नाउ वी विल लर्न ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। तो इस तरह के सिचुएशन में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है और लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहेगी, ये ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, इसको तुम लोग ध्यान से समझोगे। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो सिचुएशन ये है जो एक लाइन दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और दो पॉइंट दिया हुआ है ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू और ये दोनों पॉइंट एक गिवन लाइन के सेम साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो तुम वो एक पॉइंट ढूंढ के बताओ इस लाइन के ऊपर जहां से अगर P से A का डिस्टेंस निकालें और P से B का डिस्टेंस निकालें और उनके डिस्टेंस का डिफरेंस लें तो वो लेंथ मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा हो, मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हो, ऐसा सिचुएशन है। तो अब इसको तुम आंख बंद करके प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इस तरह के सिचुएशन में फाइनली हम लोग करेंगे क्या, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो भैया, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग ये है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट तुम्हें कब मिलेगा, जब ए से बी को ज्वाइन कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो, ये लाइन जहां कट करेगा तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ताकि तुम यहाँ से ए का डिस्टेंस निकालो और यहाँ से बी का डिस्टेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस लो, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं वो रिक्वायर्ड पॉइंट निकालेंगे कैसे, फिर रीजन पे जाएंगे ऐसा होता क्यों है, ठीक है। इसका लाइन ऑफ थिंकिंग ये है, जो अगर पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम चाहिए तो पॉइंट पी ए एंड बी का कोलिनियर होना ज़रूरी है, यानी तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और ये पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन, ये दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। तो अब ए बी को ज्वाइन कर दिया तुमने और इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, तो दिस इज ए लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, ए बी का इक्वेशन निकल आया और तुम्हें लाइन का इक्वेशन दिया है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो P से A का डिस्टेंस और P से B के डिस्टेंस का डिफरेंस का मैक्सिमम अगर होना है तो P A B का कोलिनियर होना जरूरी है, ठीक है। तो कोलिनियर होना क्यों जरूरी है, इसके पीछे का लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है वो देखो, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, जैसे मान लो लाइन का इक्वेशन ऐसा दे दिया 3x प्लस 2y प्लस 1 और दो पॉइंट ऐसा दे दिया 3 4 1 1, ये दोनों इस गिवन लाइन के सेम साइड में है, ठीक है, इस गिवन लाइन के सेम साइड में है ये दोनों, तो इसका इक्वेशन निकाल लो और इसके साथ सॉल्व कर दो, P आ जाएगा। अब हम लोग रीजन पे चलते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है बेसिकली। तो देखो, मुझे नहीं पता वो पॉइंट कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर लाइन का इक्वेशन लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और यहाँ पर कहीं पॉइंट कंसीडर किया और ये ए है एक्स वन वाई वन और ये है बी एक्स टू वाई टू,
इन तीनों पॉइंट के हेल्प से मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ का एंगल अल्फा ट्रीट किया, समझ रहे हो। जैसे मैंने यहाँ का एंगल अल्फा ट्रीट किया तो कॉस ऑफ अल्फा, कोसाइन रूल तो तुम लोग जानते हो, यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा अप्लाई करो। तो जैसे ही तुमने कॉस ऑफ अल्फा लिया तो कोसाइन रूल क्या बताए थे याद है, पी से अटैच आजू बाजू का साइड, तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, पी के ऑपोजिट ए बी स्क्वायर, दिस होल डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ पी ए इंटू पी बी। तो सिंप्लीफाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी ए इंटू पी बी कॉस ऑफ अल्फा। इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कॉस अल्फा का मैक्सिमम रेंज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, तो लेस देन इक्वल टू वन। अगर कॉस अल्फा लेस देन इक्वल्स टू वन है तो दोनों तरफ मैंने इस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया, पी ए एंड पी बी साइड लेंथ है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू पक्का टू पी ए इंटू पी बी से छोटा होगा। मैंने इसको लिख दिया लेस देन इक्वल्स टू टू पी ए पी बी। अब इसको इधर भेजो, ए बी स्क्वायर उधर ट्रांसफर करो, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस टू पी ए पी बी लेस देन इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, पी ए माइनस पी बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का नाम सुने हो, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन और इक्वल्स टू थर्ड साइड। तो ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू ए बी हो, और तुम्हें पता है ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी होता है, थ्री पॉइंट दिया है, दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो, इसका मतलब पी ए बी मस्ट बी कोलिनियर। तो दिस इज द रीजन रिक्वायर्ड पॉइंट पाने के लिए इस तीनों पॉइंट का कोलिनियर होना जरूरी है, गॉट इट। आई थिंक पहला सिचुएशन समझ में आ गया, इसके लिए लाइन ऑफ थिंकिंग पी ए बी कोलिनियर होना जरूरी है। अब और सेकेंड सिचुएशन, मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी शुड बी मिनिमम, ठीक है, ओके। तो देखो अब यहां, तो अब अपने आई क्यू से इसका आंसर देने की कोशिश करो। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है और ये दो पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन और बी है एक्स टू कॉमा वाई टू। तो पी ए माइनस पी बी मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम तभी होगा जब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को जहां कट करेगा डेट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो फॉर विच पी ए माइनस पी बी सबसे लिस्ट वैल्यू देगा, सबसे छोटा वैल्यू, पी ए माइनस पी बी मिनिमम होने के लिए ए और बी तुम्हारे पास दो पॉइंट दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आता है, डी निकाल लेंगे जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन, तो इस लाइन का इक्वेशन निकल आ जाएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला, उसको इस लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो,
तो जो पॉइंट मिलेगा डेट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, डेट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये लाइन ऑफ थिंकिंग है, गॉट इट। अब और तीसरा सिचुएशन, कह रहा है पी ए माइनस पी बी मिनिमम कब होगा, ठीक है। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देखो भैया ये गिवन लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और ये दो पॉइंट है ए एंड बी, एक्स वन वाई वन है, बी एक्स टू वाई टू है। तो मुझे इसके ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहां से पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस का सम मिनिमम हो। तो अगेन यहां ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ टू साइड शुड ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसके लिए अब लॉजिक क्या लगाओ। तुम्हारे पास लाइन है और दो पॉइंट है, दोनों में से किसी एक पॉइंट को चुनो, चुन लिया, उसका मिरर इमेज निकालो। जैसे मान लो मैंने यहाँ बी को सेलेक्ट किया तो इसका मिरर इमेज निकला अल्फा बीटा। अब ए पी को एक्सटेंड कर दो, ए पी को एक्सटेंड कर दो, तो तुम्हारे पास ए का कोऑर्डिनेट मालूम है एक्स वन वाई वन, ए बी बार से दिस इज द लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, इसका इक्वेशन मिल गया, उसको इसके साथ सॉल्व कर दो, जो रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा वही आंसर होगा। तो तुम बोलोगे बी का ही क्यों लिया, तो तुम ए का भी ले सकते हो, ए का मिरर इमेज निकालो, बी को एक्सटेंड कर दो, दोनों को एक्सटेंड करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वहां से पी से ए और पी से बी का डिस्टेंस जब ऐड करोगे ये सबसे लिस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब फोर्थ सिचुएशन, वीडियो पॉज करो और एनालाइज करो। जो मैंने कहा इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के बताओ जहां से पी से ए और पी से बी के डिस्टेंसेज का सम मैक्सिमम हो। पी ए प्लस पी बी शुड बी मैक्सिमम। तो अब तुम खुद सोचो, पॉइंट मैंने यहां लिया, पी से ए का डिस्टेंस पी से बी का डिस्टेंस मान लो ये आया फाइव, ये आया सिक्स, पॉइंट यहां लिया, ये आया टेन, ये आया ट्वेल्व। तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जाओगे इन्फिनिटी की तरफ उसका सम बढ़ता जाएगा। तो इस सिचुएशन में देर इज नो फिक्स्ड पॉइंट पी, मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा, पॉइंट पी डज नॉट एग्जिस्ट, पॉइंट पी डज नॉट एग्जिस्ट, गॉट इट। तो अब आओ इस क्वेश्चन का आंसर, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द लाइन सच डैट। तो अब लाइन का इक्वेशन दे दिया है 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर पॉइंट है पहला फर्स्ट क्वेश्चन में a है 4,2 और b प्रोवाइडेड है 2,4, तो मुझे रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, और क्या चाहिए, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने अभी अभी बताया मैक्सिमम के लिए ए बी का इक्वेशन निकालो, इसके साथ सॉल्व कर दो। तो ए बी का इक्वेशन कैलकुलेट किया तुम लोगों ने, तो ए बी का इक्वेशन निकालो, लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, ए बी का इक्वेशन क्या आया, एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इस लाइन के साथ इसको सॉल्व करो, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है तुम्हें, सॉल्व कर लो, x का वैल्यू -22, y का वैल्यू 28, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया, सेकेंड में लाइन वही है, पॉइंट चेंज कर दिया मैंने, पॉइंट 5,2 एंड 3,4 है।
इस सिचुएशन में अब आंसर निकालो, इस सिचुएशन में तुम्हारा आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है, ट्राई करो और इसका आंसर बताओ। इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो देखो इसका आंसर तुम लोगों का -24,31 ये आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है पी ए माइनस पी बी इज मिनिमम। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। और a दिया हुआ है कितना, a है 5,2 और b है 3,4। तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है इस लाइन के ऊपर जहां से इसका डिस्टेंस का डिफरेंस मिनिमम हो। तो तुम क्या करो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो। तो ये पॉइंट डी होगा, डी इनका मिड पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 4,3, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 आ रहा होगा, और इस लाइन का इक्वेशन दिया है। इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, रिक्वायर्ड पॉइंट देखो कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो रिक्वायर्ड पॉइंट तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के बाद सिंप्लीफाई किया, रिक्वायर्ड पॉइंट -8/5 एंड 7/5, -8/5 एंड -13/5 कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो लॉजिक समझ में आ गया, करना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, गिवन लाइन के साथ सॉल्व कर देना और कैलकुलेशन चेक कर लेना। गॉट इट, ओके। चलो एक आध क्वेश्चन और बनाओ इससे रिलेटेड। कह रहा है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट -3,4। तो ये कोई बंदा यहाँ -3,4 से स्टार्ट किया एंड रीचेज द पॉइंट Q0,1। ओके, तो -3,4 से स्टार्ट किया और रीचेज द पॉइंट Q0,1। और ये x एक्सिस को टच किया r पे। तो तुमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ QR+PR। QR+PR का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैंने अभी अभी इसका लाइन ऑफ थिंकिंग बताया था। तो अब तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। किसी एक का मिरर इमेज निकालो, निकाल लिया मिरर इमेज, और दूसरे से ज्वाइन कर दो। अब इसका इक्वेशन निकालो पी बार क्यू का, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। इसका इक्वेशन 5x -3y+3=0 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे रिक्वायर्ड पॉइंट r चाहिए, तो r का पॉइंट कैसे मिलेगा, तो ऑन x एक्सिस पुट y इज 0, और जैसे ही तुमने y 0 रखा तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, दिस इज -3/5,0 ये निकल के आया तुम्हारा आंसर। गॉट इट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट -3/5,0। तो ये कॉन्सेप्ट पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम उस लॉजिक से सॉल्व हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो बहुत बार देखो इमेज डायरेक्ट ना पूछ करके ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा। तो मतलब कह रहा है जो -2,7 पॉइंट इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, वेरी सिंपल, जहां x है वहां -2 रख दो, y की जगह -7 रख दो। माइनस ऑफ 3x, x की जगह -2, y की जगह -7 रख दो। सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू क्या दिख रहा है, -2+14, और ये क्या दिख रहा है, 6-7, तो ये क्या बन गया, 12,-1, ठीक है बच्चे, ओके। अब और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड मेक अ गिवन एंगल अल्फा विथ गिवन स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले इस लैंग्वेज को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या शेयर कर रहा है वो देखो। तो मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जो ये एक गिवन लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन प्रोवाइडेड है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन गया है, स्ट्रेट लाइन एल टू एंड स्ट्रेट लाइन एल थ्री। इन लाइन की खासियत क्या है, ये गिवन लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है अल्फा, समझ रहे हो। तो मतलब ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन, ये गिवन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से दो लाइन पास कर रहे हैं, ये दोनों लाइन गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका और इसका इक्वेशन क्या होगा। तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, अल्फा गिवन है, एक्स वन वाई वन गिवन है और ये थीटा गिवन है, स्लोप दिया हुआ है तो टैन थीटा निकाल लोगे। एल टू और एल थ्री का इक्वेशन पूछा है, ये काफ़ी ईजी हो गया अब तुम्हारे लिए। इन सब का नाम रख दो, ये पी क्यू आर ए बी सी। तो अब ट्राइंगल ए क्यू बी में आओ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ तो ये थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप अब आसानी से मिल गया तुम्हें, इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन L2 विल बी टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और जैसे ही स्लोप मिल गया तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा x माइनस ऑफ एक्स वन। यह आया y माइनस वाई वन इक्वल्स टू टैन ए प्लस बी पे ब्रेक करो तो टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन। ये एम प्लस टैन अल्फा, ये वन माइनस एम टैन अल्फा, एक्स माइनस एक्स वन, ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा इस लाइन का इक्वेशन, एम प्लस टेन अल्फा बाय वन माइनस एम टेन अल्फा एक्स माइनस एक्स वन। अब एल थ्री के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, तो ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। अब इस ट्राइंगल में आओ, ट्राइंगल ए आर सी में, तो ये एंगल कितना होगा, दिस प्लस दिस वन, तो 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो स्लोप ऑफ एल थ्री विल बी टेन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ अल्फा, तो ये टेन ऑफ थीटा माइनस अल्फा हो गया। स्लोप जैसे ही आ गया, पॉइंट पता है, तो ये इक्वेशन ऑफ L2 आया था, तो ये इक्वेशन ऑफ L3 होगा, और L3 का इक्वेशन क्या निकल के आएगा, ठीक है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा माइनस अल्फा x माइनस एक्स वन। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो दिस विल लुक लाइक y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम माइनस टेन अल्फा बाय वन प्लस एम टेन अल्फा एक्स माइनस एक्स वन। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है बच्चे, ओके। अब आओ इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू गिवन लाइंस। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं रफ डायग्राम प्लॉट करता हूँ। ये मान लो एक लाइन का इक्वेशन है, 2x plus 3y minus 5 equals to 0,
ये पॉइंट है पी टू कामा थ्री। कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू टू थ्री, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जो टू थ्री से पास कर रहा है और इसके साथ 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सेट होने वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो फिर L2 और L3 का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ से tan थीटा निकाल लो जो कि माइनस टू बाई थ्री है, अल्फा पता है 45 डिग्री, तो सीधे रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम प्लस माइनस टेन अल्फा बाय वन माइनस प्लस एम टेन अल्फा एक्स माइनस एक्स वन, इसको अप्लाई कर डालो जो आएगा वो आंसर। तो यहाँ से y माइनस थ्री माइनस ऑफ m का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, इस रिजल्ट से m दिया हुआ है माइनस टू बाई थ्री, तो m का वैल्यू टू बाई थ्री पुट कर दो यहाँ पे। तो जैसे ही m का वैल्यू तुमने यहाँ माइनस टू बाई थ्री पुट किया, अल्फा टेन 45 डिग्री है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कट पिट के जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। तो देखना एक x माइनस फाइव वाई प्लस थर्टीन वन ऑफ द इक्वेशन आ रहा होगा एंड अनदर 5x प्लस y माइनस थर्टीन इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कुछ आ रहा होगा। गॉट इट? ओके, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है जो वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 बाई 3 एंड ऑपोजिट साइड इज दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर साइड। ये भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन कंस्ट्रक्ट हो गया। साइड का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू टू और यहाँ पर पॉइंट है टू कामा थ्री, लेकिन अब बोल दिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के लिए यहाँ दो लाइन लगेंगे। समझो ये लाइन L1 हो गया तुम्हारा, ये लाइन L2 हो गया, ये X1 Y1 है और ये अल्फा हो गया 60 डिग्री। तो आसानी से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन Y माइनस Y1 इक्वल्स टू, यहाँ से स्लोप क्या निकला tan थीटा माइनस वन, तो एम प्लस माइनस टेन अल्फा बाय वन माइनस प्लस एम टेन अल्फा एक्स माइनस एक्स वन, बाकी सारा डेटा रखो सिंप्लीफाई करो। तो वन ऑफ द इक्वेशन टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन माइनस टू रूट थ्री आ रहा होगा एंड सेकेंड इक्वेशन टू प्लस रूट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन प्लस टू रूट थ्री आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमसे। थर्ड क्वेश्चन का सिचुएशन क्या कर रहा है देखो ध्यान से। ठीक है, तो कह रहा है द स्ट्रेट लाइन्स 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 एंड 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। तो यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y और यह 4x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों इंटरसेक्ट किया है पॉइंट ए पर। ठीक है, और ये पास कर रहा है पॉइंट पी वन कॉमा टू से सच डैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ये दोनों लाइन यहाँ कट किया, अब इसको वर्टिकल लाइन मत ले लेना, दिस इज द रफ डायग्राम। वन कॉमा टू से एक लाइन पास कर रहा है, तो मान लो इस लाइन का स्लोप है एम और ये लाइन इसके साथ इक्वल एंगल बना रहा है। क्यों इक्वल बना एक एंगल बना रहा है, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रोवाइडेड है, आइसोसेलस ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है अल्फा और ये है अल्फा। ठीक है, ओके,
अब एक बात तुम यहाँ ध्यान दे रहे हो, ये दो लाइन आपस में इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन है, ध्यान से देखो इसे, इसके इसके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, एक है 4/3 दूसरा है -3/4, तो ये पक्का 45 होगा। तो अब इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो तुम, ठीक है, गॉट इट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द लाइन पासिस थ्रू 3, -1 और ये सामने वाले साइड पे इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो मैं अब एक काम करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम इस तरह से भी सोच सकते हो, जो ये इस लाइन का स्लोप m है, पहले m ही निकाल लो। तो तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, मतलब इस लाइन का स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है और इसके बीच का एंगल पता है, तो मैं tan 45 इक्वल्स टू m माइनस m1 बाय 1 प्लस m इंटू m1 अप्लाई कर दूं, ऐसा करने से m पता चल जाएगा, और जैसे ही m पता चल जाएगा तो मुझे इसका इक्वेशन निकल आएगा साइड BC का, ठीक है, गॉट इट। अब एक और सिचुएशन अप्लाई करो, यहाँ से सेम लॉजिक लगाओगे, लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट और इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका स्लोप 4/3 लो, तो m निकल आया, जैसे ही m निकल आया तो इसका इक्वेशन आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, तो देखोगे पॉसिबल इक्वेशन ऑफ BC कटपिट के x माइनस 7y+13 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन 7x+y-9 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आना चाहिए, गॉट इट। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा सिचुएशन जब एक पॉइंट है, एक गिवन लाइन है, दो लाइन वहाँ से पास कर रहा है और इसके साथ इक्वल एंगल बना